दोस्तों, प्रदेश में बेरोजगार संघ के अथक प्रयास को देखते हुए हाल ही में राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी घोषणा यहाँ पे खुशखबरी के रूप में सुनने को मिली। अगर बात करें उस खुशखबरी की, तो ये हाल ही में राज्य सरकार में जो रीट भर्ती करवाई गई थी शिक्षक पात्रता के लिए, अब उसके पदों को लगातार यहाँ पे 30,000 की बजाय 50,000 को लेके लगातार यहाँ पे बेरोजगार संघ हड़ताल कर रहा था, विभिन्न प्रकार की मुद्दे यहाँ पे उठा रहा था। तो राज्य सरकार के जो नायक हैं, यानी कि आप कह सकते हो माननीय मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत जी, के द्वारा यहाँ पे 20,000 नए पद सृजित करने का ऐलान यहाँ पे कर दिया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों को रीट परीक्षा यहाँ पे किसी ना किसी कारण उनकी नहीं क्लियर हुई थी, तो एक नया सुनहरा मौका यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। हालांकि पद को यहाँ पे बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा नए सिरे से यहाँ पे ये भर्ती का अनाउंसमेंट हाल ही में जारी कर दिया गया है। अभी पब्लिक नोटिफिकेशन साइट्स पे अपलोड नहीं हुआ है, जल्द यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रदेश में 20,000 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए 14 से 15 मई को फिर यहाँ पे रीट परीक्षा का आयोजन यहाँ पे राज्य में करवाया जाएगा। नियमित शर्तें जो हैं वो लागू रहेंगी। गहलोत सरकार ने पद नहीं बढ़ाए, परंतु 20,000 नए पद यहाँ पे सृजित शिक्षकों के कर दिए हैं। लगातार रेट के पद बढ़ाकर 50,000 करो, उसकी बजाय इन्होंने 51,000 यहाँ पे कर दिए हैं। आप देख सकते हैं, सीएम जो हाल ही में चर्चा में यह विषय रहा है, परीक्षा के बीच यहाँ पे पद बढ़ाने की मांग लगातार यहाँ पे राज्य सरकार के जो अभ्यर्थी हैं बेरोजगार संघ के द्वारा जो किए जा रहे हैं अथक प्रयास, तो उनको देखते हुए राज्य सरकार के जो नायक हैं उनको इसमें झुकना पड़ा एक बार फिर। और हालांकि बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पे खुशखबरी है, तो वो अभ्यर्थी एक बार फिर अपने शिक्षक पात्रता में अपने किस्मत को आजमा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 31,000 पद यहाँ पे पहले निकाले गए थे, परंतु अब यहाँ पे लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा 50,000 पद, यानी कि 31 से 50,000 पद करने की मांग लगातार यहाँ पे जोर शोर पे चल रही थी। उसी को देखते हुए माननीय सीएम महोदय के द्वारा अब ये पद बढ़ाने की बजाय नए पद यहाँ पे सृजित किए जाएंगे, जिसमें 20,000 पद इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स या फिर उनकी जो एग्ज़ाम हैं उनके 14 से 15 मई को यहाँ पे फिर यहाँ पे रीट भर्ती के लिए एक बहुत बड़ा जो एग्ज़ाम है, या फिर आप कह सकते हो पात्रता के लिए जो परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाएगी। हालांकि इसमें देख ही पा रहे हैं, अभ्यर्थियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से यहाँ पे गुजरे हैं, विभिन्न प्रकार के इन्होंने यहाँ पे स्ट्राइक की हैं, हड़ताल की हैं, काफ़ी प्रकार के मुद्दे इन्होंने इसमें उठाए हैं। जिसमें सबसे पहले अगर बात करें, अगले साल 14 से 15 मई को रीट 2022 के रूप में आयोजन करवाया जाएगा। गुरुवार को सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। यानी बेरोजगारों को 2 माह से रीट के पद लगातार 50,000 बढ़ाने की जो मांग चल रही थी, अब यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा उन पदों में बस 20,000 नए पद सृजित किए जाएंगे। हालांकि जो सीएम के 4 सलाहकार जो हैं, पूर्व डिप्टी सीएम जो कि सचिन गहलोत हैं, सॉरी सचिन पायलट हैं, उनके समेत 70 विधायक जो हैं पद बढ़ाने की मांग भी यहाँ पे पहले ही यहाँ पे दे चुके हैं। इसी को देखते हुए जयपुर में जो ओटीएस है, यानी कि ऑफिशियल ट्रेनिंग सेंटर जो है, जहाँ पे कल से यहाँ पे आरएस के जो 2018 में सफल अभ्यर्थी हैं आरएस पदों के लिए, उनकी ट्रेनिंग का शेड्यूल जो है 78 यहाँ पे लगभग यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल्स में फर्स्ट फेज में यहाँ पे रखे गए हैं ओटीएस में, जो कि जयपुर में है। तो उसके दौरान जो सामूरा के अंदर ये उपस्थित हुए थे, तो उस दौरान ये कार्यक्रम यहाँ पे किया गया था। और यहाँ पे एक मांग उठ रही थी कि रीट के पद बढ़ा के 50,000 यहाँ पे कर दो। आप ही बताइए, अब माननीय सीएम जी के द्वारा ये कहा गया है, आप ही बताइए कि 15,000 पदों के लिए परीक्षा दे रहे हो और उसमें उसमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3,000 पद कर दो, यानी कि आरएस के रिगार्डिंग में इन्होंने ये कहा है, ना कि रीट के रिगार्डिंग में। हालांकि देर रात तक सीएम ने पद तो नहीं बढ़ाए, लेकिन नई भर्ती का ऐलान यहाँ पे कर दिया है। साथ ही अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए पहली बार रीट 2 दिन का आयोजित होगी, क्योंकि 26 सितंबर 2021 को रीट के दौरान अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी यहाँ पे झेलनी पड़ी थी। पूरी सरकार इसके आयोजन में जुट गई है और भास्कर मुद्दे ने इसको यहाँ पे उठाया है। तो आप देख ही पा रहे हैं, 22 सितंबर 2021 को ये प्रकाशित हुआ था।
साथ ही 2011, 2012, 2015, 17 और 21 में रीट का आयोजन हुआ है। अब यहाँ पे 10 साल बाद ऐसा होगा जब लगातार 2 सालों में रीट का पेपर यहाँ पे होगा, जो कि 2022 में अब नेक्स्ट यहाँ पे रीट होने वाली है। दोस्तों उसके अलावा जो भर्तियाँ भी यहाँ पे चर्चा में रही हैं, यानी नए साल में शिक्षा विभाग के अंदर 80,000 पद नए सर्जित किए जाएंगे। शिक्षक पदों की अगर बात करें जिसमें तृतीय श्रेणी शिक्षक 2021 में 31,000 पद, साथ ही तृतीय श्रेणी के 2022 में 20,000 सर्जित किए जाएंगे। हालांकि 31,000 के लिए तो एग्जाम ले लिया गया है, 20,000 के लिए अभी एग्जाम होना बाकी है, जो कि अभी हाल ही में ऐलान किया है। स्कूल व्याख्याता यानी कि लेक्चरर के लिए 6,000 पद हैं। कंप्यूटर जो अनुदेशक है उसके लिए 10,157 है। वरिष्ठ अध्यापक के 10,000 हैं, विशेष शिक्षक के 1,000 है, लाइब्रेरियन ग्रेड 460 है, साथ ही शारीरिक शिक्षा यानी कि पीटीआई 461 है, और इसी में तृतीय श्रेणी के जो पीटीआई हैं उनके लिए 461 है, प्रयोगशाला सहायक में 451 है। तो ये अपने टोटल पद हैं जिसमें टोटल 80,000 करके पदों पे नए साल में शिक्षा विभाग को मिलेंगे। साथ ही पद बढ़वाने की मांग भी लगातार यहाँ पे बेरोजगार संघ के द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही थी। रीट के 50,000 पदों को बढ़ाने के लिए लगातार यहाँ पे धरने हड़तालें यहाँ पे राज्य सरकार के जो अभ्यर्थी हैं बेरोजगार संघ के द्वारा विभिन्न मुद्दों पे केस ये जो चर्चाएँ बढ़ाई जा रही थी। हालांकि 70 विधायक समेत इसके लिए ज्ञापन भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दे चुके थे। अगर खाली पदों का गणित अगर हम बात करें तो हाल ही में लेवल फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो लेवल फर्स्ट में 26,401 पद अभी हाल ही में राज्य सरकार की शिक्षा विभाग में खाली बताए जा रहे हैं। लेवल सेकंड के लिए 23,534 पद खाली बताए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा में तृतीय श्रेणी के 16,000 के लगभग यहाँ पे पद खाली बताए जा रहे हैं। साथ ही 66,025 पद कुल रिक्त यहाँ पे प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा को देखते हुए यहाँ पे शिक्षा विभाग में खाली बताए गए हैं। साथ ही 10,000 पद स्टाफिंग पैटर्न के सर्जित हुए हैं, यानी कि कुल 76,000 पर यहाँ पे पदों की रिक्ति जो है अभी हाल ही में बताई जा रही है। नई भर्तियों में विशेष शिक्षकों के लिए भी प्रावधान यहाँ पे होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं पैरा टीचर्स हो गया, शिक्षा कर्मी हो गया, मदरसा पैरा टीचर्स हो गया, पंचायत सहायकों की समस्या को भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अधीन यहाँ पे छोड़ दिया गया है, और जल्द ही इसके ऊपर भी कोई ना कोई योजना बना के उनको भी क्रियान्वित यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये अपने पास में आज की न्यूज़पेपर का कटिंग था, जिसमें हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगारों को यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे मिली है, जिसमें शिक्षक भर्ती के नए पद यहाँ पे सर्जित किए जाएंगे। हालांकि लगातार यहाँ पे पद बढ़ाने की मांग चल रही थी, उसको यहाँ पे ना देखते हुए नए सिरे से यहाँ पे पदों के ऊपर भर्ती यहाँ पे एग्जाम के थ्रू करवाई जाएगी, जो कि रीट भर्ती यहाँ पे 2022 आप कहेंगे। साथ ही इसमें अन्य विभागों में जो शिक्षा विभाग के अंदर जो पद खाली थे वो भी मैंने डिस्कस कर दिए, और अभी तक जितने शिक्षा विभाग को मिलेंगे लगभग 80,000 के लगभग अप्रॉक्सीमेट, तो वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए। साथियों आपसे मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो न्यूज़ है हम इसी चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। दोस्तों वीडियोज़ को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन्स भी दबाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।